आज महागामा के ऊर्जा नगर राजमहल हाउस में जिले के खेल प्रेमियों की बैठक हुई। इसमें आज बॉल बैडमिंटन खेल की गोड्डा कमेटी का गठन किया गया। इसमें प्रभाकर कुमार को जिला सचिव का दायित्व सौंपा गया, साथ ही अध्यक्ष सुदामा सिंह को बनाया गया। वहीं प्रभाकर कुमार ने बॉल बैडमिंटन के प्रदेश सचिव को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे मिली जिम्मेदारी का मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। वहां उपस्थित भाजपा नेता कुंवर गोपाल सिंह बॉल बैडमिंटन गोड्डा की कमेटी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं कहा कि इस खेल के जरिए स्थानीय खिलाड़ियों को ऊपर खेलने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ना चाहिए। और ये खेल तो अभी हम लोग को समझ में नहीं है, आप लोग यहाँ खेल करवाइए, उसको देखेंगे और डेवलप होगा और आगे। प्रभाकर जी, आप इस संघ के सचिव हैं और आपको एक बड़ी दायित्व आपके हाथों में है, सचिव हैं आप, तो आप कैसे इस जो कार्यभार आपको मिला है इसका कैसे निर्वहन करेंगे आप? तो जैसा रांची से हमारे कमेटी के जो मेंबर्स आए हुए हैं जिनके थ्रू यहाँ पे ये गोड्डा जिला बॉल बैडमिंटन संघ का आज उद्घाटन समारोह भी है और एफिलिएशन लेना है, तो इसको लेके इन्होंने बताया कि ये रेलवे जो है, रेलवे में इस गेम खेला जाता है और जॉब प्रोवाइड भी की जाती है जो कोटा होता है। तो इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि इस राजमहल हाउस में इसका आयोजन हो रहा है और मैं इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी ताकत लगानी पड़ी लगाऊंगा और इस खेल को मैं डेवलप करके दिखाऊंगा अगर मुझे इस पद के लिए नियुक्त किया गया। अजय जी, आप बहुत दिनों से खेल से जुड़े हुए हैं और आपका बैकग्राउंड भी खेल ही रहा है और आप प्रशिक्षक भी रहे हैं स्कूलों में, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आज एक नया खेल हमारे गोड्डा जिले में आया है तो इसको लेकर क्या स्कोप है और आप कैसे तैयारी करेंगे, नए सिरे से कैसे शुरुआत करेंगे इस खेल को? ये सारे स्कूल्स के बच्चों के लेके चलना, जो गुड्डा में भी स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स में हम लोग कैंप लगाएंगे, वहाँ पे कोचेस मंगाएंगे जो भी रांची से लाना पड़े, जहाँ से भी लाना पड़े, उसके बाद सारे बच्चों को तैयार करके उसका डिस्ट्रिक्ट प्रखंड लेवल पे पहले मैच होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स होंगे, उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होते हैं बच्चे उसके बाद उनको स्टेट और नेशनल खेलने का मौका मिलेगा और जहाँ पे नेशनल में। सर आप मतलब इस पूरे स्टेट को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस टीम को लेकर के, तो इस खेल को लेकर के, तो आप बताएंगे सर कि ये उपलब्धियां आप अभी तक इस बॉल बैडमिंटन टीम को अभी तक झारखंड में क्या उपलब्धियां प्राप्त हो पाई हैं? सर ये झारखंड में एक तरह से देखा जाए तो हमारी कुछ विशेष उपलब्धि उस तरह से नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भारतीय बॉल बैडमिंटन संघ से कुछ ही सालों पहले जुड़े हैं और चूंकि ये गेम जो है साउथ साइड में डेवलप था, इस गेम को इधर के लोगों के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। अब ये लोग हम लोग जो है झारखंड में हरेक जिले में इसको डेवलप कर रहे हैं और हरेक जिले में जब बच्चे खेलने लगेंगे तो इसमें कंपटीशन होगी। इसमें तो नया गेम है सर? जी सर। और नया गेम है तो लोगों को सबसे पहले सीखने की जरूरत होगी। जी जी सर। अब वहाँ लोग बच्चों को नियम सिखाना होगा, खेल सिखाना होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं सर? उसके लिए हम लोग हरेक जिले में जैसे कोचेज को, अगर जो यहाँ के जो सचिव महोदय की रिक्वेस्ट पे, अगर जो एक यहाँ पे जो स्कूल या कॉलेजेस, तो यहाँ के लोगों को हम अपने स्टेट में जब कैंप लगेगा तो यहाँ से दो लोग जाएंगे प्रशिक्षण के लिए, वो 10 दिन का प्रशिक्षण चलेगा, वो फिर अपने जिले में आकर के प्रशिक्षण लेगा।